निखिल जंगल से कुछ लकड़ियां लाने जाता है अपने कुछ दोस्तों के साथ। भाइयों, हमें कितनी लकड़ियां काटनी पड़ेंगी रावण बनाने के लिए। पर तू लकड़ियां क्यों काट रहा है? घास फूस का रावण जल्दी जलता है। अरे पुद्धू, घास फूस का रावण बेचारा खड़ा कैसे होगा? बिना लकड़ी के घास फूस का रावण ऐसे लगेगा जैसे उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई हो। सारे बच्चे मिलकर रावण बनाने का सामान इकट्ठा करते हैं और रावण बनाना शुरू करते हैं। अरे बच्चों, ये क्या सिर्फ रावण बना रहे हो? कुंभकर्ण और मेघनाद कौन बनाएगा? बात तो सही कह रहे हो आप अंकल, पर हमारे पास इतना सामान नहीं है कि हम रावण के अलावा कुछ भी बना सकें। कोई बात नहीं, अभी तो समय है, आराम से बना लेना। सुनो, अंकल ने बात तो पते की कही है। चलो दोस्तों, कल फिर से जंगल चलेंगे, लकड़ियाँ और घास फूस लेके आएंगे। रावण बनाते बनाते सूरज ढलने लगता है। चलो दोस्तों, अब चलते हैं घर, वरना मम्मी बहुत डांट लगाएंगी और कल आने भी नहीं देंगी। अच्छा ठीक है ठीक है, चलो ये सब साइड में रख देते हैं, जिससे कल खोए ना और जगह पर ही मिल जाए। सामान और रावण का ढांचा तैयार करके वे उसे वहीं बरगद के पेड़ के नीचे रख देते हैं और घर की ओर चल देते हैं। रात को जंगल में कुछ हलचल सी होने लगती है, हवाएं तेज तेज चलने लगती हैं। इधर जंगल में बिजली तेज से कड़क रही थी और टूटकर बरगद के पेड़ पर गिरती है, जिसकी वजह से पेड़ बीच से खड़े खड़े दो भागों में फट जाता है। तभी उसमें से किसी के हंसने की आवाज आने लगती है। आखिर मैं आजाद हो ही गया, अब बस मुझे एक शरीर चाहिए रहने के लिए। फिर उसकी नजर वहाँ रखे रावण के ढांचे पर पड़ती है। मिल गया शरीर भी। भूत उसी रावण के ढांचे में प्रवेश कर जाता है। अब मैं इसके सहारे कहीं भी आ जा सकता हूँ। इधर गांव में बिजली के गिरने की आवाज सुनकर रामू डरते हुए कहता है। अरे भैया, कहा था ना मैंने कि ये बिजली गिरेगी तो कहर ही आएगा, कुछ तो गलत होने वाला है। हाँ, ये सब बाबा के जमाने में होता था कि बिजली गिरी है और किसी को लेकर ही जाएगी। हाँ, अब जाके चुप करके सो जाओ। हाँ। फिर अगली सुबह बच्चे खा पी कर वापस सामान लेकर जंगल में जाते हैं। अरे, ये रावण इस पेड़ के नीचे था, यहाँ कैसे पहुँचा? हाँ यार, रावण यहाँ कैसे आया होगा? क्या पता चल के आ गया हो, किसी ने रख दिया होगा। जंगल में ताला थोड़े ना लगा हुआ है। चलो अब काम पर लग जाओ। राहुल रावण को उठाने जाता है। ये अचानक से इतना भारी कैसे हो गया? कल तक तो इतना वजन नहीं था इसमें। राहुल के उठाने की वजह से रावण में बसा भूत जग जाता है। कौन है जिसने मेरी नींद में दखल डाला है? ढांचे में से आवाज सुनकर राहुल डर जाता है और पीछे गिर पड़ता है। रावण जाग उठा, रावण जिंदा हो गया है। निखिल और मीनू मेघनाथ और कुंभकर्ण बनाने में लगे हुए थे। राहुल की आवाज सुनकर वो दोनों राहुल के पास जाते हैं। क्या हुआ राहुल, ये क्या बड़बड़ा रहे हो तुम? रावण उठकर चलने लगता है। अरे ये क्या, रावण तो चल रहा है, देखो। भागो भागो, रावण तो सच में उठ गया है। तीनों भागते भागते जंगल से बाहर आते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। वो तीनों इतना डर जाते हैं कि किसी को कुछ कहते ही नहीं। भूतिया रावण भी उनका पीछा करते करते गांव तक पहुंच जाता है। तो ये जगह है जहाँ से मुझे शिकार मिल सकता है। पर यहाँ मुझे सावधानी से रहना पड़ेगा, लोगों को पता चल गया तो मेरा शिकार खाना मुश्किल हो जाएगा। सामने से एक औरत आ रही होती है, उसे देखकर रावण जहाँ खड़ा था वहीं लेट जाता है। अरे ये रावण का ढांचा यहाँ बीच गली में, एक काम करती हूँ घर ले चलती हूँ, बच्चों के जलाने के काम आएगा। औरत उसे उठाती है। कितना भारी है ये, जैसे पत्थर डालकर बनाया गया हो।
फिर भी किसी तरह वो उसे घर तक ले जाती है। जब आसपास में कोई नहीं होता तो रावण उठता है और घर में घूमने लगता है। क्या खाऊं मैं, क्या खाऊं, भूख लगी है मुझे तो। मन तो कर रहा है इस औरत को ही चबा जाऊं, पर अभी सही मौका नहीं है। रावण भूख की वजह से बाहर निकल पड़ता है। वहाँ कुछ जानवर चर रहे थे। अब मुझे इन जानवरों को मार के ही काम चलाना पड़ेगा। रावण बकरी के पास जाता है और उसे मार देता है, फिर उसकी टांग चबाने लगता है। इतने में वो औरत उसे आती हुई दिखाई देती है। रावण जल्दी से वापस घर में चला जाता है, पर रावण को अपनी जगह पर ना पाकर दूसरी जगह देखकर वो थोड़ा डर जाती है। अरे, ये रावण बैकयार्ड से अंदर कैसे आ गया? औरत रावण को छूने जा ही रही होती है कि रावण आंखें खोल देता है और उठकर बैठ जाता है। औरत बहुत डर जाती है। अरे, ये कैसा रावण है, ये देख कैसे सकता है? मैं सिर्फ देख ही नहीं सकता, मार भी सकता हूँ। कहकर रावण औरत पर हमला करता है। अरे बचाओ, कोई है, बचाओ मुझे, रावण मुझे मार डालेगा, बचाओ। पर इससे पहले कि वहाँ कोई आ पाता, रावण औरत को मार कर उसे चबाने लगता है। अब मेरा काम यहाँ खत्म। फिर रावण किसी और शिकार की तलाश में निकल पड़ता है। उसके रास्ते में जो भी पड़ता वो उसे मार कर खा जाता। दो चार दिनों में ही पूरे गांव में हंगामा हो गया कि रावण लोगों का शिकार कर रहा है। अरे भैया, पता है रावण ने अब कलयुग में फिर से जन्म लिया है। तो आतंक वो त्रेता युग में मचाता था, वही काम वो अब कर रहा है। लोगों को मारना, परिवार उजाड़ना, आतंक मचाना, बस कलयुगी रावण का तरीका थोड़ा अलग है, लोगों को दुखी करने का। अब तो ये लोगों को मार के खा जाता है। हाँ, देखो भैया, बच के रहना पड़ेगा, क्या पता अगला नंबर तुम्हारा ही हो। अब कौन होगा मेरा अगला शिकार? क्यों ना मैं कुछ समय के लिए इस ढांचे से बाहर निकल जाऊं। रावण के रूप में लोग मुझे देख पा रहे हैं। पहले मैं अदृश्य रूप में शिकार ढूंढ लूं, फिर मारने के लिए वापस इसमें प्रवेश करूंगा। भूत रावण का ढांचा जैसे ही छोड़ता है, ढांचा जमीन पर गिर पड़ता है। निखिल ये सब चुपके से देख लेता है। ओ, तो ये बात है, ये दिमाग पहले क्यों नहीं चला? खला, लकड़ी का रावण भी कभी जिंदा हो सकता है क्या? कुछ करना पड़ेगा मुझे, वरना ये भूतिया रावण लोगों को नुकसान पहुंचाता रहेगा। निखिल अपने दोस्तों के पास जाता है और उन्हें बातें बताता है। तो दोस्तों, अब तुम समझ गए ना कि हमें क्या करना है? हाँ बिल्कुल, और हम ये करके ही रहेंगे, अपने गांव वालों को इससे छुटकारा दिलवा कर ही रहेंगे। करीब दो दिन बाद अब दशहरा आ ही जाता है। लोग सज धज कर मेले में जा रहे होते हैं। वाह वाह, कितना बड़ा रावण बना है इस बार। हाँ। अरे, कितने सुंदर सुंदर पुतले बनाए गए हैं, उधर भी तो देखो, वाह 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 वाह। भीड़ में खड़े लोग रावण दहन का इंतजार बेसब्री से कर रहे होते हैं, तभी एक आदमी जलता हुआ तीर रावण के पेट में मारता है। इधर निखिल, मीनू और राहुल रावण का पुतला तैयार रखते हैं और इंतजार करते हैं कि कब भूत उसमें घुसे। दोस्तों, मैंने इसमें रस्सी बांध दी है, अब बस भूत के आने की देरी है, फिर उसे हम मजे चखाएंगे। जैसे ही भूत ढांचे में प्रवेश करता है, निखिल रस्सी खींचकर उस पुतले को उल्टा लटका देते हैं। जय श्री राम, और जलता हुआ तीर भूतिया रावण के पेट में मारता है। अरे अरे, बचाओ, मैं जल रहा हूँ, अरे मैं मर जाऊंगा, इससे अच्छा तो मैं बंदिश में ही रहता, बचाओ बचाओ। किसी ने सच ही कहा है,
बुराई कितनी भी बड़ी हो या ताकतवर हो, अच्छाई उसे हरा ही देती है।